बुलडोजर नाम सुनते जहन में सबसे पहले यह ख्याल आवत है कि कोनो पुन के बड़ी कार्रवाई भे केहू के अवैध संपत्ति में बुलडोजर के कार्रवाई भे पे जोने बुलडोजर के हम बात कह रहे हैं या बुलडोजर दरअसल मामा के ना है बल्कि यह बुलडोजर आए बागेश्वर धाम सरकार के बता दी कि यह बुलडोजर जौन है जहाँ कई मामा के बुलडोजर पेट में लात मारे के काम करत है तो यह बुलडोजर जो है पेट भरे के काम करत है हजारन व्यक्ति के खातिर बता दी कि बुलडोजर के माध्यम से खाना बनवा जाते थे ये अपनों को ले चली थे बागेश्वर धाम के बुलडोजर के लगे कि कौन मेर से मशीनन के जरिए बता दी कि स्वादिष्ट भोजन का बनवा जाते हैं। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल वहाँ पूजा अपना पंचे सवजन का प्रणाम कहते शुरू करी थे बड़ी खबर से बता दी कि कंस्ट्रक्शन खातिर इस्तेमाल होए वाला बुलडोजर इस समय अपराधीन के घर और दुकान का तोड़े फोड़े में चर्चा है और अब यह बुलडोजर चर्चा महाभय बता दे कि हनुमान जी के भक्तन का प्रसाद बनवे में यह बुलडोजर चर्चा महाभा है बता दे कि मध्य प्रदेश में बुलडोजर से अप्रसाद बनवे के काम करावा जा रहा है। भिंड जिला के प्रसिद्ध ददरुआ धाम में आयोजित होने वाले विशाल भंडारा का तैयार करे खातिर बुलडोजर के इस्तेमाल कीन जा रहा है। बता दें कि रोजाना लाखन भक्तन खातिर जेसीबी मशीन और जो कंक्रीट मिक्सर है वो खाना बनाए के तैयार कर रहे हैं। बता दी कि काम खातिर 700 हलवाई और करीब 10,000 स्वयं सेवा के काम में लगे हैं। बता दें कि ददरुआ धाम इस समय सीएपीए मिलन समारोह के आयोजन कर रहा है जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ददरुआ धाम में हनुमंत कथा सुना रहे हैं। ये आयोजन में लाखन श्रद्धालु जहाँ भाग ले रहे हैं और उनके खातिर भंडारा की व्यवस्था की गई है। बता दी कि भंडारा इतना विशाल है कि देखे वाला एक बार हैरान रह जाए। बता दी कि यहाँ करीब 450 पुरुष और 250 महिला जो है भोजन के व्यवस्था में लगी हैं। इतना नहीं दोनों समय के भोजन बनवाए खातिर हलवाई जो हमारे यहाँ दुई शिफ्टन में काम कर रहे हैं। बता दी कि सवेरे 20 क्विंटल पोहा और 8 क्विंटल सूजा के प्रयोग होता है। सवेरे नाश्ता खातिर इतना इस्तेमाल किए जाता है। बता दी कि कड़ाही व सब्जी निकाले खातिर बता दी कि यह जेसीबी मशीन के सहारा ली जाला है। ददरुआ धाम में दुई बड़ा कराह में जोने में एक दरकी में 20 क्विंटल आलू के सब्जी बनाई जाती है और इतनी बड़े कराह में से सब्जी निकाले खातिर ट्रॉली में भरे खातिर जेसीबी मशीन के सहारा लीन जाला है। बता दें कि जेसीबी मशीन के मदद से सब्जी का ट्रॉली में भर के श्रद्धालु का परसय के काम कीन जाला है। इतने नहीं मालपुआ के घोल बनवाए खातिर सीमेंट और कंक्रीट मिक्सर के उपयोग कीन जाला है। बता दें कि एक साथ यहाँ 40 कढ़ाई में भोजन तैयार कीन जाला है। भंडारा प्रसाद ग्रहण करने वाले श्रद्धालु की संख्या लाखन में है और उनका परोसे खातिर 10,000 स्वयं सेवकन के व्यवस्था की गई है। यहाँ करीब 10,000 स्वयं सेवक श्रद्धालु का भोजन करेंगी। तो यह बुलडोजर रहा जौन के प्रसाद बनवाई के काम करते हैं। बता दी कि ददरुआ धाम में इस समय भक्तन के भारी भीड़ लागल रही है और यही के मद्देनजर भक्तन खातिर यह प्रसाद बनवा जा रहा है जहाँ जेसीबी और कंक्रीट मशीन ए काम में उपयोग लाई जाती ला। हम दे इजाजत रखिए आप और अपने परिवार के ख्याल। प्रणाम।